हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरी ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मैं आई हूँ आज गौसर, और अभी जा रही हैं हम मार्केट। और आप देख सकते हैं से मेरे पीछे से हैं ये पनाई वालों के सेरा, और मेरे साथ में आ रही है बुआ। ये देखिए, ये है मेरी बुआ, और अभी हम मार्केट जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना गौचर मार्केट, तो बने रहे आप मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, आपको ये सामने खेत दिख रहे हैं, यहाँ गेहूं की कटाई हो गई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो जो जंगल से चीड़ के पत्ते होते हैं जिसे हम पिरूल बोलते हैं, वो लाके यहाँ पे देखे पूरे खेत में बिछा रही हैं। उसके बाद ये आग लगाती हैं इनमें, और उसके बाद यहाँ पर धान बोया जाता है। ये देख सकते हैं पूरे खेत में जो ये पिरूल होती है वो फैला रखी है। यहाँ पे देखिए ये गेहूँ का, और ये गाय सीधे मेरे पास आ रही है, ये पता नहीं समझ रही है कि मैं इसको खाने के लिए दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गेहूँ की जड़ें हैं उसको जला रखा है, और देखो वो भी सीधे आ रही है यहाँ पे। ये काला हो रखा है क्योंकि इसमें पिरूल जला रखी है। तो दोस्तों, हम जाएंगे खेत के रास्ते से क्योंकि आजकल ये खेत खाली हो गए हैं, कुछ दिनों पहले इसमें गेहूं हो रखी थी। पर देखिए अभी ये खेत पूरे खाली हो चुके हैं, तो हम शॉर्ट रास्ते से जाएंगे। और आगे से जा रही है बुआ। मौसम देखिए, हल्के हल्के बादल आ रखे हैं। वैसे तो धूप लगी हुई है आज, पर फिर भी हल्के हल्के बादल आ रखे हैं। और यहाँ पे देखिए ये महिलाएं काम कर रही हैं, जो यहाँ पे जो पहले गेहूँ हो रखे थे उसको निकाल रही, मतलब कि उसकी जड़ों को निकाल रहे हैं क्योंकि उसके बाद यहाँ धान बोते हैं। दोस्तों, हम जा रहे हैं नहर के रास्ते से, ये है यहाँ सेरा की नहर, और हम इसी रास्ते से जा रहे हैं अभी। वैसे तो उधर से भी जाता है एक रास्ता, पर ये शॉर्ट है, और आजकल यहाँ मतलब गेहूँ कट चुके हैं तो खाली हो रखा है, तो यहाँ से जा रहे हैं अभी। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा रखी हैं साड़ियाँ घेर बाड़ करने के लिए, और कुछ फट रखी हैं और तार लगा रखी हैं उस पर साड़ियाँ लगा रखी हैं। दोस्तों, आपको जो ये ऊपर दिख रहे हैं पौधे, ये सारे भांग के पौधे हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े हो रखे हैं, और यहाँ पे खिले हैं सुंदर सुंदर फूल। देखिए बहुत सुंदर फूल खिले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ये जो गेहूँ के खेत हैं उनमें से ये जो गेहूँ की जड़ें हैं वहाँ ये उखाड़ रहे हैं। और आजकल इन खेतों में यही काम हो रहा है, सभी लगे हैं अपने अपने कामों में। और कुछ ये देखो कुछ जला रखी हैं, ये आगे से देखो ये जो चीड़ जो पिरूल होता है वो उसको लाके इसको जलाते हैं, और कुछ कोई लोग उखाड़ते हैं गेहूं की जड़ों को, और कोई पिरूल लाता है जंगल से। तो दोस्तों, यहाँ पे रहते हैं खच्चर, और अभी तो खच्चर काम करने जा रखे होंगे। और जो ये बना रखा है ये है दाना खिलाने के लिए। तो दोस्तों, ये है कि स्वाइजी स्कूल गौचर की, और ये स्कूल के पीछे साइड है। आप जिस सुन सकते हैं यहाँ कितना शोर हो रहा है, शायद बच्चों की अभी इंटरवल हो रखी है तो यहाँ बहुत शोर हो रहा है। और ये इसका पीछे साइड है, आगे साइड इधर साइड है। और यहाँ पे भी रहते हैं खच्चर, ये देख सकते हैं आप, ये तंबू बना रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे है पीपल का पेड़, और यहाँ पे शनिवार के दिन सभी तेल चढ़ाने आते हैं क्योंकि यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। ये देख सकते हैं ये पे यहाँ पे है शनिदेव का मंदिर, शनिवार के दिन यहाँ पे सभी लोग तेल चढ़ाने आते हैं। तो दोस्तों, ये है ग्रीक चौक, यहाँ से होता है गौचर मार्केट स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं गौचर मार्केट, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
दोस्तों हम पहुंच गए हैं गौचर मार्केट में। आप देख सकते हैं पीछे से आपको मेला गेट दिखता है। ये ऊपर है पीएनबी बैंक, यहाँ ऊपर पीएनबी बैंक है और ये है यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज गौचर, यहाँ पे इसका गेट है। और यहाँ पे है एक बड़ा सा पीपल का पेड़, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पीपल का पेड़ है। यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे पशुपालन विभाग में, क्योंकि वहाँ से हमको लेनी है दवाई। और ये तो ये है मॉडर्न स्कूल, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी बच्चे खाना खा रहे हैं, क्योंकि दिन का टाइम है, इंटरवल हो रखा है, तो यहाँ पे अभी बच्चे खाने खा रहे हैं और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ पशुपालन विभाग में बुआ के साथ, क्योंकि बुआ लोगों की घर में भैंस बीमार हो रखी है, तो उसके लिए बुआ को यहाँ से दवाई भेजनी है। तो बुआ अंदर जा रखी है दवाई के लिए और मैं बाहर पे खड़ी हूँ। और ये देख सकते हैं ये पीछे पशुपालन विभाग है गौचर का। यात्रा सीजन में तो देखिए टूरिस्ट की बसें आ रही हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये खादी भंडार है। यहाँ पे हमको खादी के सारे कपड़े मिलते हैं, जो सामान होता है यहाँ पे सारा चीज़ मिलती है यहाँ पे। और ये नीचे, यहाँ से नीचे है पुलिस चौकी। जो ये गाड़ी लगी है ये कंठप्रयाग के लिए लगी है। और यहाँ पे है बड़ा सा बरगद का पेड़ और यहाँ पे रामलीला मैदान है, जहाँ पे पनाई वालों की रामलीला होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे है ये मंदिर। और यहाँ पे है ये प्रतीक्षालय और यहाँ पीछे है रामलीला मंच, जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो ये है रामलीला मैदान गौचर का और यहाँ पे होती है रामलीला गर्मियों के टाइम पे। और यहाँ हर साल रामलीला होती है गर्मियों के टाइम पे, अभी भी होगी जून के महीने। और ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पे बैठने का बना रखा है, जो लोग यहाँ बीच से है एक बड़ा बरगद का पेड़, जो ऊपर जाके देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा बरगद का पेड़ है यहाँ पे। और हम जाएंगे अभी मार्केट शॉपिंग करने, क्योंकि बुआ जा रही है शादी में, तो बुआ के लिए शॉपिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पे बुआ शादी के लिए शॉपिंग कर रही है, आप देख सकते हैं हम आए हैं दुकान में। ये है गौचर का मेला गेट, यहाँ से अंदर लगता है मेला, ये देख सकते हैं। हाँ, नीचे फील्ड है और देखिए धूप कितनी ज़्यादा लगी है आज। और अभी हम कर रहे हैं मार्केट में शॉपिंग, क्योंकि दोस्तों अभी आए हैं यहाँ पे हम सूट लेने, क्योंकि यहाँ पे दे रखी है सूट सिलवाने। तो दोस्तों यहाँ पे है गढ़वाल मंडल और आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों दिन के 1 बज गए हैं और स्कूल वालों की छुट्टी हो गई है, अभी घर आ रही है और धूप भी बहुत तेज लगी है।
तो दोस्तों यहाँ पे बुआ ले रही है सब्जी। तो दोस्तों अभी हम घर जाने लग गए हैं और ये हमने ला रखी है फ्रूटी, बहुत गर्मी लग रही है तो फ्रूटी पीते हैं और आपको घर जाके मिलते हैं अभी। और बहुत